लास्ट टाइम हम कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज स्टडी कर रहे थे और आज हम सर जी सैटरडे वाला टॉपिक रिपीट करवा दें। उस दिन मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही थी। चले ये आज का टॉपिक तो पहले देखिए, तो फिर कल इसलिए सारे टॉपिक को इकट्ठा कर लेंगे। पहले आज वाला ये समझिए, लेक्चर आप मिस करेंगे तो फिर तो मसला बन जाएगा। तो कैथोड रेस जो है उनकी प्रॉपर्टीज लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी और उन्हीं में से दो प्रॉपर्टीज आज हम देखते हैं कि कौन कौन सी हैं, कैसे मालूम की गई, और फिर कल कोशिश करेंगे कि सारी प्रॉपर्टीज को एक दफा सम अप कर लिया जाए, ताकि जो लोग पहले नहीं समझ सके या नहीं लेक्चर अटेंड कर सके वो इसको बेहतर तरीके से पिक कर सके। आज वाला लेक्चर इंतहाई इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मोस्टली एक्सटेंसिव क्वेश्चन इसमें से आता है। बेसिकली दो क्वेश्चन इस वक्त बोर्ड पे लिखे हुए हैं। एक है डिटर्मिनेशन ऑफ ई ओवर एम रेशियो ऑफ कैथोड रेस, जिसे आप जे जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं। जे जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट, इसका बुनियादी मकसद ई ओवर एम रेशियो डिटरमिन करना। ई ओवर एम रेशियो मींस चार्ज टू मास रेशियो। कैथोड रेस का चार्ज डिवाइडेड बाय मास, ये कितनी वैल्यू होती है और कैसे मालूम की गई। एटलीस्ट 4 मार्क्स का ये पेपर में आ सकता। शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो पहले इसका यह कीजिए कि इस एक्सपेरिमेंट में जो अपरेटस इस्तेमाल हुआ ये किस तरह की चीज है। डिस्क्रिप्शन इसकी तो बहुत ज्यादा लिखने की या रटने की जरूरत नहीं, समझ हो गई है क्या है। ये स्पेशली डिजाइंड डिस्चार्ज ट्यूब आपको नजर आ रही है, खास किस्म की डिस्चार्ज ट्यूब है, शीशे की बनी हुई है और इसके अंदर भी ये 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। ये कैथोड है, ये एनोड है, ये रास्ते में स्लिट्स है। स्लिट्स का मकसद होता है शार्प बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हासिल करना। ये सामने से जरा वाइड बनाई हुई है, मकसद अभी थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा। ये तकरीबन ऐसे ही समझे उसी शक्ल की है जैसे ये आजकल कुछ एनर्जी सेवर भी शेप के आते हैं, जैसे लाउड स्पीकर का हॉर्न होता है उस तरह का। ये सामने से वाइड है, पीछे जरा नैरो है। डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, फिगर बनानी आती हो। ये कैथोड है, यहाँ एनोड लगा हुआ है, ये स्लिट्स हैं और सामने ये यहाँ फ्लोरोसेंट मटेरियल कोटेड है। ये जो दायरा लगा हुआ है डॉटेड सर मैग्नेट को शो किया गया, और ये जो 2 प्लेट्स हैं ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिलहाल शुरू में ये समझ लें कि ये यहाँ मौजूद नहीं है, इनिशियली ये नहीं है, बाद में इसको बताया जाए। तो वह दोस्त सुनेंगे ये
काम कैसे करता है ऑपरेटर्स, फिगर बनाने या डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं है। P1 is the point at which cathode rays strike in absence of any external electric or magnetic field. जब बाहर से कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया हुआ, उस वक्त कैथोड रेस पॉइंट P1 पे टकरा रही है, बिल्कुल सीधी कैथोड से निकल के स्लिट में से गुजर कर सीधी जा रही है। अच्छा, फिर उसने क्या किया, जेजे फॉर्मेशन ने पहला काम क्या किया कि कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया, कैथोड रेस कैथोड से निकल कर बिल्कुल सीधी जा रही थी, P1 पॉइंट पे टकरा रही थी, फ्लोरेसेंस पैदा कर रही थी, चमक पैदा कर रही थी P1 पॉइंट। फिर उसने इस रेस को मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारा, ये दायरा जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है। आपने पढ़ा हुआ है और जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ आज ध्यान से सुन लें कि चार्ज पार्टिकल्स को अगर मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारा जाए तो वो कर्व पाथ में मूव करते हैं, बेंड कर जाते हैं। तो कैथोड रेस को जब मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारा तो वो सारा बेंड कर गई और पॉइंट P2 पे टकराने लग गई। मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल्स को कर्व पाथ में मूव करता है। नंबर 3, फिर उसने कैथोड रेस प्लेट्स लगा दी, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कैथोड रेस आप जानते हैं कि नेगेटिवली चार्ज होती है और इनको पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारा जाए तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड कर जाए, ये पॉजिटिव की तरफ बेंड कर गई, P3 पे टकराई। इस एक्सपेरिमेंट की सबसे अहम बात, याद रखने वाली बात ये है कि P1 पे कब टकराती है, इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, P2 पे कब तक रहती है, इन प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, P3 के ऊपर कब तक रहती है, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तीन बातें याद रखनी है, P1 पे, P2 पे और P3 पे। जे जे थॉम्सन ने क्या किया, उसने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक वक्त लगा दिए, साइमल्टेनियस इकट्ठे। वो ये देखना चाहता था कि अगर दोनों फील्ड इकट्ठे लगा दिए जाएं तो क्या होता है और क्यों होता है। याद रहे तो P1 पे टकराती है जब कोई एक्सटर्नल फील्ड ना हो, P2 पे टकराती है मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में, P3 पे टकराती है इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में। जे जे थॉम्सन एक्सपेरिमेंट की सबसे अहम बात यह है कि जे जे थॉम्सन सब्जेक्टेड रखा, क्या रखा, beam of cathode rays to simultaneous effect of electric and magnetic field. For a वक्त electric or magnetic field लगाए, such that दोनों field
किस तरह से दोनों की लगे हो पी वन पे टकरा रही हो तो ये इस बात का सबूत होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ आपस में बराबर है। इसे केमिस्ट्री की जुबान में कहते हैं बाय बैलेंसिंग द फोर्सेस। बैलेंसिंग द फोर्सेस से मुराद है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बराबर है। इलेक्ट्रिक फील्डों के बावजूद सीधी जा रही है, इसका मतलब है दोनों फील्ड आपस में बराबर है। इसे केमिस्ट्री ही वाज एबल टू डिटरमाइन ई ओवर एम रेशियो ऑफ कैथोड रेस। उसने कैथोड रेस की ई ओवर एम रेशियो मालूम की। ई ओवर एम रेशियो का आंसर ये आता है 1.7588 इंटू 10^11 कूलम पर किलोग्राम। उसे ये रेशियो पता चल गई, लेकिन उसे ये पता ना चल सका कि इस ई ओवर एम रेशियो में से ई की वैल्यू कितनी है और एम की वैल्यू कितनी। ही वॉज अनएबल टू डिटरमाइन E and M separately, अलग अलग उसे ना पता चल सका कि E कितना है और M कितना। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाया उसने कैपिटल E into small e, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड into चार्ज एंड पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगाया और दोनों को आपस में बराबर किया और वहां से ई ओवर एम की रेशियो निकाली और आंसर इसका 1.7588 × 10^11 कूलम पर किलोग्राम है। जितनी दफा भी उसने एक्सपेरिमेंट किया ई ओवर एम रेशियो यही आई। उसने कहा कि ये ई ओवर एम रेशियो चार्ज टू मास रेशियो, ये कैथोड रेस की चार्ज टू मास रेशियो है, लेकिन उसे ये ना पता चल सका कि इसमें से ई कितना है और एम कितना है। ये 4 marks का अगर आए एक रेशियो की वैल्यू लिखने का खास तौर पर ये जे जे थॉमसन सब्जेक्टिव बीम ऑफ कैथोड रेस टू साइमल्टेनियस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। ये इसकी कौन सी प्रैक्टिकल समझ, यहां से ये कैथोड रेस निकल रही है बिल्कुल सीधी जा रही है पॉइंट पी वन पे टकरा रही। नंबर टू, इन्हीं कैथोड रेस को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारा जाए, ये मैग्नेटिक फील्ड ये सर्कल है तो ये बेंड कर जाती है और पी टू पे टकराती है। नंबर थ्री, इन्हीं कैथोड रेस को सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारे तो पी थ्री पे टकराती है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड करती है। नंबर फोर, जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इकट्ठे लगा दिए, मैग्नेटिक फील्ड उन्हें एक बेंड कर रहे हैं, कैथोड रेस दोनों फील्ड लगने के इन पर दोनों फील्ड्स की मौजूदगी में पी वन पे टकराना
साबित करता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो उन्हें एक तरफ खींच रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जो दूसरी तरफ खींच रहा है, दोनों को बराबर ही वॉज एबल टू डिटरमन ई और एम रेशियो ऑफ कैथोड रेस बट ही वॉज अनएबल टू डिटरमन ई एंड एम सेपरेटली. रेशियो उसने मालूम नहीं, ये ई और एम अलहदा अलहदा ये मालूम किए मिलिकैन मिलिकैन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन कैथोड रेस ई और एम कैसे मालूम किए. इसके लिए जो अपरेटस है इस पे एक नजर डाल लीजिए. अपरेटस की समझ हो कोई रटना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, समझ हो कि ये क्या है. ये एक मेटालिक चैम्बर है, किसी मेटल का बना हुआ एक चैम्बर है. इसके अंदर ये एक प्लेट लगी हुई है जिसमें छोटा सा सुराख है और ये सुराख ऐसा है जिसको वक्त जरूरत आप बंद भी कर सकते हैं, जैसे स्लाइडिंग विंडो होती है, जब चाहेंगे इसे खोल लेंगे, जब चाहेंगे इसे बंद कर लेंगे. और इस प्लेट को जब हमें जरूरत होगी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से मिला देंगे, जब जरूरत होगी. हर वक्त ये कनेक्टेड नहीं है तो ये प्लेट एनोड का काम करेगी जब जरूरत होगी. और इसमें एक छोटा सा सुराख है जिसको वक्त जरूरत हम खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं. एक मेटल प्लेट नीचे लगी हुई है जिसे वक्त जरूरत कैथोड के तौर पर यूज किया जाएगा. एक चैम्बर है जिसके अंदर दो मेटल प्लेट्स लगी हुई है, एक एनोड एक कैथोड, और एनोड में एक छोटा सा सुराख है which can be closed whenever required and opened whenever required. ये जो नीचे वाला चैम्बर है इसके साथ एक माइक्रोस्कोप लगी हुई है ताकि इसके अंदर देखा जा सके. अब मेटालिक चैम्बर अगर हर तरफ से बंद हो, धातु का बना हुआ चैम्बर हर तरफ से बंद हो तो अंदर तो अंधेरा घुप होगा, लाइट ही नहीं होगी, नजर ही कुछ नहीं आएगा. तो इसके अंदर देखने के लिए इसके सामने आर्क लाइट तेज रोशनी डालने का बंदोबस्त है. ये आर्क लाइट कहते हैं चकाचौंध रोशनी, बहुत तेज लाइट. ये जो ऊपर वाला चैम्बर है इसके साथ एक चीज लगी हुई है, इसे हम कहते हैं एटमाइजर एटोमाइजर. ये ऐसे ही है जैसे स्प्रे करने के लिए पंप होते हैं, तकरीबन उस तरह का ये अपरेटस है. इसके अंदर यहां ऑयल है, पैराफिन ऑयल. पैराफिन ऑयल याद रखें इस पे कोई चार्ज नहीं होता, हाइड्रोकार्बन है, नो चार्ज. यहां पैराफिन ऑयल है, इस पैराफिन ऑयल को पंप करके प्रेशर के तहत मिस्ट सी बना के, धुंध सी बना के इस चैम्बर में स्प्रे किया गया. ये ऐसे ही समझें जैसे परफ्यूम की बॉटल होती है, उस बॉटल में लिक्विड होता है लेकिन जब उसे पंप करते हैं तो वो मिस्ट बन के, धुंध बन के लिक्विड निकलता है, बुखारात बन. जैसे दवाई स्प्रे करने वाला की बॉटल होती है उसमें
लिक्विड डालते हैं, ऊपर से पंप लगा होता है, प्रेस करते हैं, मिस्ट बन के फुहार बन के निकल, तो ये तकरीबन उसी तरह की चीज है। यहाँ लिक्विड है लेकिन जब इसको पंप किया जाता है तो ये ड्रॉपलेट बन के स्प्रे की शक्ल में, मिस्ट की शक्ल में अंदर स्प्रे कर रहे हैं। जब अंदर स्प्रे करते हैं इस सुराख में से चंद ऑयल ड्रॉपलेट इस चैम्बर में दाखिल होते हैं। इधर से आप लाइट डालें, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे, यहां से आप देखें तो आपको ये ऑयल ड्रॉपलेट एक सफेद सा नुक्ता ऊपर से नीचे जाता दिखाई देगा। इस सारे को फिर सुन लीजिए, ऑयल को हमने इस चैम्बर में स्प्रे करना है मिस्ट की शक्ल में, बुखारात की शक्ल में, ड्रॉपलेट्स की शक्ल में, जैसे धुंध होती है इसमें छोटे छोटे ऑयल ड्रॉपलेट, उनमें से चंद एक ऑयल ड्रॉपलेट नीचे वाले पोर्शन में दाखिल होते हैं, इस सुराख में से गुजरते हैं। इनको देखने के लिए इधर से लाइट बम्बार्ड की जाती है। यहां से जब आप देखते हैं तो ये आपको एक वाइट ड्रॉपलेट की शक्ल में चमकता हुआ सफेद नुक्ता सा नीचे जाता दिखाई देता है, वाइट स्पेक, एक सफेद नुक्ता सा ऊपर से नीचे जाता दिखाई देता। ये नीचे क्यों जा रहे हैं ऑयल ड्रॉपलेट? हर चीज का वेट नीचे को अमल करता है, तो इसकी डाउनवर्ड वेलोसिटी v1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mg। डाउनवर्ड वेलोसिटी इनकी वेट की वजह से, इनका वजन नीचे को अमल कर रहा है, तो ये ऊपर से नीचे जा रहे हैं। यहां से आप इसे देखेंगे और इसकी डाउनवर्ड वेलोसिटी हम जानते हैं कि ये ऊपर से नीचे जा रहे हैं अपने वेट की वजह से, v1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mg। अब जरा गौर से सुनने वाली बात है, दो तीन काम इकट्ठे होने लगे हैं, ध्यान से सुनना है। यहां जो एयर मौजूद है बहुत लो प्रेशर पे, वैक्यूम पंप की मदद से इसके अंदर प्रेशर को कम कर दिया गया है, यहाँ पे हवा भी मौजूद है लेकिन बहुत थोड़ी, उस एयर को एक्सरेज की मदद से आयोनाइज किया गया। एक्सरेज का मकसद है हवा को आयोनाइज करना। आयोनाइज करने से क्या मुराद है कि हवा में जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उन गैस मॉलिक्यूल्स में से ये हवा इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट कर देती है। ये जो नुक्ते से आपको नजर आ रहे हैं ये समझें इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो एयर के गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं उनमें से रिमूव हुए हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किसने किया है? एक्सरेज ने। द एयर किताब में ये कैसे लिखा होगा, आप पेपर में ये कैसे लिखेंगे, एयर इन द चैम्बर वाज आयोनाइज्ड बाय यूजिंग एक्सरेज। एक्सरेज ने इस एयर को आयोनाइज किया जो यहां पे थी, उस एयर में से जो इलेक्ट्रॉन निकले, याद रहे कि इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन आजाद हालत में एज सच कायम नहीं रहता, फौरन किसी ना किसी चीज में जज्ब हो जाता है। वो इलेक्ट्रॉन जो एयर में से निकले, कुछ इलेक्ट्रॉन इन ऑयल ड्रॉपलेट से टकराएंगे, और अगर ऑयल ड्रॉपलेट में कोई इलेक्ट्रॉन जस्ट हो जाए तो उस ऑयल ड्रॉपलेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा,
पहले इस पे कोई चार्ज नहीं था। जब ये ऑयल ड्रॉपलेट एयर में से इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा तो इस ऑयल ड्रॉपलेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हमें कैसे पता चला कि नेगेटिव आया? अगर आप इस ऊपर वाली प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से मिला दें तो ये ऑयल ड्रॉपलेट जो पहले नीचे जा रहे थे अचानक ऊपर जाना शुरू कर देते हैं। नीचे तो अपने वेट की वजह से जा रहे थे, सवाल पैदा होते हैं कि ये ऊपर को क्यों जाना शुरू हो गया। अगर इस ड्रॉपलेट पे नेगेटिव चार्ज आ चुका हो तो ये हमेशा पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होती है। अगर ये जो प्लेट है इसको जिस बैटरी से जोड़ा गया है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपिटल ई हो और चार्ज ऑन दिस पार्टिकल स्मॉल ई हो, इनके दरमियान जो अट्रैक्शन पैदा होगी स्मॉल ई इनटू कैपिटल ई, ये अपवर्ड फोर्स होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई। इस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वजह से ऊपर जा रहे हैं। लेकिन और से सुनना, ऊपर को इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड खींच रहा है लेकिन इस पे डाउनवर्ड फोर्स इसका वेट भी अमल कर रही है, वेट भी इसका अमल कर रहा है जो नीचे ले जाना चाहता है। तो अपवर्ड फोर्स है कैपिटल ई इनटू स्मॉल ई, डाउनवर्ड फोर्स है एम जी। नेट अपवर्ड फोर्स, नेट अपवर्ड फोर्स, रिजल्टिंग अपवर्ड फोर्स कितनी आएगी? ई माइनस एम जी। ई है अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसे ऊपर खींच रहा है, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड और स्मॉल ई चार्ज ऑन द पार्टिकल। नेट अपवर्ड फोर्स इज ई माइनस एम जी, क्योंकि एम जी नीचे को फोर्स है, तो रिजल्टेंट अपवर्ड फोर्स आएगी ई माइनस एम जी। अपवर्ड वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई माइनस एम जी। आप वी वन मालूम कर ले पहले नीचे किस रफ्तार से जा रहा था, वी टू मालूम कर ले ऊपर किस रफ्तार से जा रहा है। इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से डिवाइड करें, V1 over V2 is equal to, याद रहे ये ऊपर प्रोपोर्शनल है नीचे इक्वल आ गया। मुमकिन है आप सोचें कि हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि प्रोपोर्शनल को इक्वल में चेंज करें तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो यहां मैंने कांस्टेंट क्यों नहीं लगाया? क्योंकि दोनों प्रोपोर्शनल को जब आप इक्वल में चेंज करेंगे दोनों के साथ कांस्टेंट आएगा, जब डिवाइड करेंगे तो वो कांस्टेंट वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। डिवाइड करने का मकसद ये है कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कैंसिल हो जाए। वी वन भी हमें पता है अपवर्ड वेलोसिटी, वी टू भी पता है डाउनवर्ड वेलोसिटी, यहां से देख के माइक्रोस्कोप से निकालेंगे। एम जी भी पता है वेट ऑफ ड्रॉपलेट, कैपिटल ई भी पता है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल ई नहीं पता कि इस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना। आप इस इक्वेशन में वी वन वी टू एम जी कैपिटल ई की वैल्यूज लगा के स्मॉल ई कैलकुलेट कर सकते हैं। मिलिकन ने बहुत दफा ये एक्सपेरिमेंट किया और उसने स्मॉल ई की वैल्यू बहुत दफा मालूम की और उसने देखा कि कभी भी ये ई की वैल्यू 1.6022 × 10⁻¹⁹ कूलम से कम नहीं आती, इससे दुगनी हो सकती है, इससे तीन गुना हो सकती है, इससे कम कभी नहीं होगी। उसने कहा ये ई की वैल्यू उस वक्त आती है जब ऑयल ड्रॉपलेट हवा में से एक इलेक्ट्रॉन लेता है।
अगर दो इलेक्ट्रॉन लेगा तो इससे दुगुनी आएगी, तीन लेगा तो इससे तीन गुना आएगी। तो कभी भी E की वैल्यू इससे कम कभी नहीं होती। दिस इज द चार्ज एक्वायर्ड बाय द ऑयल ड्रॉपलेट व्हेन इट पिक्स अप वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एयर। वैसे एक बात गौर से सुन लें, ध्यान से, मैंने जो E की वैल्यू लिखी है 1.6022 इन 10 रेस टू पावर 11 कूलम, सॉरी 10 रेस टू पावर -19 कूलम, ये आजकल की वैल्यू है। उसने जो मालूम की थी वो थी 1.59 इंटू 10 रेस टू पावर -19। याद रहे कि 1.59 और 1.60 में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। उसने मालूम किया था चार्ज 1.59 इंटू 10 रेस टू पावर -19 कूलम। बाद में ये कैलकुलेट करके पता चला कि इसकी वैल्यू एग्जैक्ट 1.6022 इंटू 10 रेस टू पावर -19 कूलम होती है। दिस इज द चार्ज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज उसने मालूम किया। अपरेटस पे ध्यान देना है, खसूसी तौर पे हर चीज का मकसद पता हो। ऑयल को स्प्रे करेंगे यहाँ, इस पे कोई चार्ज नहीं है इस वक्त। ये ड्रॉपलेट ऊपर से नीचे जाएंगे, यहाँ से हम इन्हें देखेंगे, यहाँ से उस पर लाइट डालेंगे, डाउनवर्ड वेलोसिटी भी डालेंगे। पहली खास बात, अपने वजन की वजह से नीचे जा रहे हैं। फिर तीन काम हम इकट्ठे करेंगे, एक तरफ से एक्स रेस डालेंगे। एक्स रेस का मकसद है हवा में से इलेक्ट्रॉन को निकालना, आयोनाइज करना एयर को। दूसरा स्टेप, वो इलेक्ट्रॉन ऑयल ड्रॉपलेट में जस्ट होंगे, एक दो तीन चार इलेक्ट्रॉन जितने भी, ज्यादातर एक इलेक्ट्रॉन जस्ट हो। तीसरा काम, इस ऊपर वाली प्लेट को हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से मिलाएंगे। ये ऑयल ड्रॉपलेट नेगेटिव हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉन लेंगे, ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। नेट अपवर्ड फोर्स ई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ माइनस एमजी, वेट उसका जो नीचे को अमल कर रहा है, नेट अपवर्ड फोर्स आएगी ई माइनस एमजी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी टू। मुमकिन है आपके जहन में आए कि मुझे कैसे पता चला कि अपवर्ड फोर्स ज्यादा है। अगर ड्रॉपलेट ऊपर जा रहा है तो सबूत है कि वो अपवर्ड फोर्स स्ट्रॉन्गर है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है। अगर नीचे जा रहा होता तो हम कहते वेट ज्यादा है। तो इक्वेशन वन को टू से डिवाइड करके, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट्स को कैंसिल करके, स्मॉल ई की वैल्यू मालूम की जा सकती है। और इससे पता चला कि कम से कम वैल्यू 1.602 इन 10 रेस पर -19 आती है। ये वैल्यू उस वक्त आती है जब ये हवा में से एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर करता है। अगर दो इलेक्ट्रॉन लेगा तो वैल्यू इससे दुगनी आएगी, तीन इलेक्ट्रॉन लेगा तो तीन गुना आएगी। इसमें कहा दिस इज द सिंगल चार्ज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। आज लेक्चर के शुरू में इस स्टूडेंट ने कहा था जी पिछले टॉपिक रिवाइज करवा दे, तो कल कोशिश करेंगे हम कैथोड रेज की सारी प्रॉपर्टीज एक दफा सम अप कर लेंगे, दोहरा लेंगे, क्योंकि आगे इनको बार बार हमने यूज करना है। कल लेक्चर हरगिज मिस ना करें। अगर आपने पहले दो तीन लेक्चर इस चैप्टर के नहीं लिए तो कल का लेक्चर जरूर अटेंड करें।